हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं और एक नायाब अंदाज और तरीके के साथ आपको जीके और वोकैबुलरी लर्न कराएंगे। और एक थ्रिलर कहानी जो चल रही है मीडिया में, ये टॉपिक बहुत हॉट चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, ये मेहुल चौकसी की कहानी हमारी जुबानी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और फिर आज देखिएगा, आप ऐसी चीज सीखोगे ना आज तक आपने ऐसा देखा होगा ना ऐसा कुछ सीखा होगा। यह है मेहुल चौकसी, जो कि अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ 13,500 करोड़ का स्कैम, यस यू हर्ड इट राइट, 13,500 करोड़ का स्कैम करके पंजाब नेशनल बैंक को रॉक करके चले जाते हैं। ये पहुंच जाते हैं एंटीगा, जिसको अब मैं कहूंगा एंटीगुआ, जो आपको आगे समझ आएगा क्यों। और 2018 से रहे हैं, अब कुछ ही दिन पहले मई 2021 में ये गायब हो जाते हैं, तो हलचल मच जाती है, भाई मेहुल कहाँ चले गए। तो तभी खबर आती है एंटीगा प्राइम मिनिस्टर जो है गैस्टन ब्राउन साहब, वो कहते हैं कि मेहुल चौकसी अपने रोमांटिक ट्रिप में है डोमिनिका में, वहां पकड़े गए हैं। ठीक है, अब इनकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर आ जाती है मीडिया में, बारबरा, कि भाई ये बारबरा के साथ घूमने गए थे और इन्होंने कहा जी हम तो इसे मानते ही नहीं है, इसको इंडिया दे दी। इसके लॉयर्स कहते हैं नहीं, ये तो एंटीगुआ का, एंटीगुआ जाएगा। एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमें इसको चाहिए ही नहीं। तो अब दोनों जगह ओपोजिशन भी इनके अगेंस्ट हो गई कि भाई तुमने कैसे अपने सिटीजन को जाने दिया, ये सारी कहानी हो गई। तो ये दोनों बेचारे झूठ मूठ फंस गए। ठीक, और अब मेहुल की बीवी आई और वो कहती है ये सब खबरें गलत है और वो लड़की प्लान की गई थी जैसे दृश्यम 2 में किया गया था और वो किडनैप कर गए। अभी सुनवाई चल रही है और बेसब्री से गवर्नमेंट को, हम सबको इंतजार है कि मेहुल भाई आ जाए और 13,500 करोड़ वसूले जाए जितने भी निकाला। बहरहाल ये तो अलग कहानी थी जो की मीडिया में है, पढ़िएगा। अब मेरा मकसद क्या है वो समझिए, हमको समझना और लर्न करना यहाँ क्या क्या कैरेक्टर्स आए और कैसे हम इंटरेस्टिंग वे में आज वोकैबुलरी और जीके को देखें। देखिए, कंट्री कैपिटल है एक और मैंने प्राइम मिनिस्टर के नाम दिए। तो पहला जो देश है वो है एंटीगुआ एंड बारबाडो, नाम है एंटीगुआ। उसका जो कैपिटल है वो सेंट जॉन में है, ये कैरेबियन आइलैंड में देश है। और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है वो गैस्टन ब्राउन है, जो की आजकल न्यूज की चर्चा में। ठीक है जी, और इसके बाद अब हमको अगर इसके बारे में याद करना है तो कैसे करेंगे, एंटीगुआ सेंट जॉन, एंटीगुआ सेंट जॉन, ये तरीके से तो याद थोड़े दिन रहेगा, भूल जाएंगे। आइए आपको नई चीज दिखाते हैं। अब आप ये सोचिए एंटीगुआ सुन के हम क्या कर सकते हैं। हमारी एक आंटी है आंटी नंबर 1 और वो गोवा चली आंटी की एंट्री हुई सेंट जॉन चर्च में, वहां एक बहुत संतों का जॉन साहब ने चर्च बनाया है। आंटी गोवा गई और कैप पहन के गई, कैपिटल कैप पहन के गई और वहां पहुंचे और तभी वहां उन्होंने देखा कि भाई गैस ऑन है और एक आदमी ब्राउन होता जा रहा है, सो रहा है, सोते सोते वहां का प्राइम आदमी है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब है वहां के, क्या ऑन हो गई, गैस ऑन है और वो कैसे हो गए, पूरे ब्राउन हो गए। तो अब आपको कोई पूछता है एंटीगुआ सुनते क्या याद आएगा, एंटीगुआ गई और क्या पहन के कहां पहुंची, सेंट जॉन चर्च में पहुंची और वहां क्या देखा, वहां का जो प्राइम मेन आदमी था वो गैस ऑन करके ब्राउन ब्राउन होता चला। ठीक है, कैपिटल ऑफ एंटीगुआ, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1।
St. John Church. अब आते हैं दूसरे देश में, डोमिनिका। इसका कैपिटल है रोजर्व और यहां के प्राइम मिनिस्टर है रूजवेल्ट स्कैरेट। नाम ही स्कैरेट कर रहा होगा जी, आइए इसको सीखे। डोमिनिका, हमारे मेहुल भाई कहां पहुंचे थे? डोमिनिका में डोमिनोज गए और डोमिनोज में पिज्जा खाया। डोमिनोज वाले खुश हुए, बोले इतना खर्चने वाला आदमी आ गया। कहते भाई रोज आओ, रोज आओ। इन्होंने कैप पहनी, मेहुल को कैप पहनाई और एक रोज दिया और बोला रोज आओ। और तभी ये खबर वहां के प्राइम मिनिस्टर साहब को पता चल गई। वो एकदम रूस गए, गुस्से में आ गए, अपनी बेल्ट निकाल ली और इसको स्केयर करने गए कि भाई आदमी दे दो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हाथ आ गया। रूस गए, बेल्ट निकाल के स्केयर करने गए। डोमिनोज वालों ने बोला भाई साहब प्लीज रहने दो। तो डोमिनोज वालों ने कहा रोज वापिस दो, रोज आओ रहने दो। रूस गए, बेल्ट लेके स्केयर करने गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, वहां के प्राइम मिनिस्टर डोमिनिक, राइट। तो ये सारी कहानी चलती है। अब इसमें जो मुझे लग रहा है, जो चौकसी साहब के साथ एक और होने वाला है, मैं उस वर्ड को लाता हूं कॉन्जुगल। हमारे यहां भी कुछ साल पहले ऋतिक रोशन और सुजैन के साथ कॉन्जुगल इश्यूज हो गए थे और इस गर्लफ्रेंड के आने से मेहुल भाई जब जेल से निकलेंगे तो उनकी भी पिटाई होगी और कहेंगे बताओ कौन था। कॉन्जुगल इज रिलेटेड टू मैरिज और रिलेशनशिप। अब इसको याद कैसे करें? आपका नॉर्मल मेथड है, वोकैबुलरी हम भूल जाते हैं, तो कॉन्जुगल को बनाते हैं। अब देखो कोण आपने देखा होगा, मैथमेटिकल कोण है। एक हमारा कोण भाई साहब है और एक जग है जो पानी पीने वाला जग होता है और दोनों बेचारे अकेले हैं, कोई गर्ल नहीं मिल रही। तो कोण ने कहा यार क्यों नहीं हम दोनों ही शादी कर ले। तो कोण और जग आपस में शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, मैरिज के साथ रिलेट हो जाते हैं। आइए इसकी क्लिपिंग देखते हैं और आपको नए तरीके से देखिए कितना मजा आएगा। ये क्लिपिंग आ रही है, इसको वॉच करिए, एंजॉय करिए और देखिए कैसे कॉन्जुगल याद। Subscribe to this video, give me your comment. Thank you so much guys, bye, take care.